चालक हत्या एवं वाहन लूट मामले में पुलिस को एक के बाद एक सफलता मिली। अब तक 3 अपराधी सहित लूट की स्कॉर्पियो के अलावा 2 अन्य वाहन भी बरामद किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपने आसपास के क्षेत्रों में ही वो पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए गिरिडीह जिले में 30 माध्यमिक विद्यालय का उद्गमन होने वाला है। इन विद्यालयों में प्लस 2 का दर्जा मिल सकता है। अपराध व अवैध कारोबार पर लगाए लगाम। नक्सलियों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए उनके मंसूबों को नाकाम करने को लेकर छापेमारी अभियान में तेजी लाए। यह निर्देश पुलिस लाइन में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए। गाँव में मचाया उत्पात। झुंड से बिछड़े हाथी रविवार सरिया प्रखंड के चंद्रमारनी एवं आस पास के गाँव में झुंड से बिछड़े 2 जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। रविवार को अलग अलग हुई सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई, जबकि स्टेशन मास्टर घायल हो गए। यह घटना डुमरी रांगामाटी रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के प्रतापपुर के पास है। गिरिडीह पर्वतिया से चिल्ड्रन पार्क और सवेरा चौक का नाम बदलकर स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा चौक रखा गया। रविवार को पार्क परिसर में एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसकी घोषणा की गई। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक के दौरान कुल 7 प्रस्ताव पारित किया गया। अपनी मांगों के पक्ष में झारखंड राज्य के सभी प्रखंड के कार्यरत JSLPS के सभी कर्मी कमीरेल हड़ताल में हैं। इन सभी का पहला दिन है, लेकिन अगर इनकी संबंधित मांगे पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह इनकी हड़ताल जारी रहेगी।